Hello everyone, I am Akanksha, welcoming you all to Speech Education. And in this video, we are going to discuss a very important topic called time and tense. So, pilamane time aur tense ko nahi ki pilaman ko monare bahut confusion thai aur bahut pila time ko tense sangre confuse karanti. Ja pore ki samane sentence making ra modhyo bhul karanti aur grammar ra je konosi tense related question asle modhyo mistake hei thai saman ko dara. So, aaji ए भिडियो देखला पर तुमको मन से डाउट टी क्लीयर हो बहुत इंपोर्टेंट विषय तुमको मुझ लिटरेचर लाइब्रेरी चैनल ले टाइम एंड टेंस गोटे सेपरेट वीडियो बनई जोटा कि यार बेस वीडियो भाई तुमने देखिपर आक देखला तुम गोटे फंडामेंटल क्लीयर हो एंड देन यू कैन वॉच दिस वीडियो. सो एम स्टार्ट करवा विषय टी. सो यो कौन पढ़ा टाइम के प्रकार आउ टेन्स के प्रकार आउ कौ टेन्स को यूज कराए कौ टाइम को एक्सप्रेस करने. तो देखिबा वी आर फैमिलियर विद द कांसेप्ट ऑफ टाइम. हमें समय रो कांसेप्ट संगरे बहुत जाना सुना बस समय कोनो में जानी छु. वी नो द फ्लो ऑफ टाइम इज कंटीन्यूअस एंड अनएंडिंग. हमें जानी छु जे समय सत केबे बंद हुएनी बा सरेनी एटा उटे अनएंडिंग प्रोसेस. समय कहा पे अटकेनी हमें चाहिले भी एई समयटा को एई मुहूर्त को अटके पारिबा नाही. फॉर आवर कन्वीनियंस वी हैव डिवाइडेड इट ब्रॉडली इनटू 3 पीरियड्स. आमर सुविधा पाई सो ग्रामरियन माने कौन कले सुविधा पाई समय को तीन भाग में विभक्त कले कौन कौन द पास्ट द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर. सो ये आसीगला समय रो डिविजन आम जान लु समय तीन प्रकार गोटे हूँ पास्ट टाइम प्रेजेंट टाइम एंड फ्यूचर टाइम. द पास्ट इज द पीरियड ऑफ टाइम दैट हाज गन बाय. जो समयटा बीती जाए कहा जाए पास्ट टाइम. पे एत जाए टेन्स आसनी मु टाइम को डिस्कशन कर. So the past is the period of time that has gone by. Gone by माने जोटा बीती जाइछि जो समय टा चली जाइछि सेटा होछि past time. The present is a period of time that is with us now. So present कोन वर्तमान जोटा कि एबे आम संगरे अछि जो मुहूर्त रे आमे एबे बंचि जो ताकु कह जाय present. And the future is yet to come. Our future कोन जोटा हबा पई जाउछि आगो को आसीबो सेटा होछि future. तो गुडे शॉर्ट ब्रीफली मु कहि दउछि जोटा बीती जाइछि सेटा होछि past. जो समय एबे आमे अछु दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट. जोटा हवा पई जाउछि सेटा होछि फ्यूचर. इन अदर वर्ड्स द पीरियड ऑफ टाइम बिफोर नाउ इज द पास्ट एंड द प्रेजेंट इज द पीरियड ऑफ टाइम दैट इज विद अस नाउ एंड द पीरियड ऑफ टाइम नाउ आफ्टर नाउ इज द फ्यूचर. सो पिला माने तुमे संख्या रेखा पढ़िथिबो सेई भलिया एटी गुडे स्ट्रेट लाइन रे ए टाइम रो कांसेप्ट को भलसे बुझाइछि. तो प्रथमे कोन कहला देखिबा अछिरे रहिला नाउ माने वर्तमान बिफोर टाइम एटी कोन कह गला द पीरियड ऑफ टाइम बिफोर नाउ इज पास्ट. बिफोर नाउ होची वर्तमान रो पूर्व समय होची पास्ट. जो टाइम रे आमे क्लास स्टार्ट करथिलु किछ समय बीती गरानी दैट मींस आमे याकु पास्ट स्टार्ट करथिलु. एबे जो मोमेंट रे मु तमनकु ए विषय टी बुझौची एटा होची प्रेजेंट. आउ जते बेले हम क्लास टी सोई जीव सेटा होची पास्ट. सो बिफोर नाउ नाउ रहिला प्रेजेंट. बिफोर नाउ होची पास्ट. आफ्टर नाउ होची फ्यूचर. आफ्टर नाउ माने एई मुहूर्तर पर समयटा जोटा आसीबो सेटा होची फ्यूचर. सो प्रेजेंट कहा को कह जाय आबे बुझिबाय कांसेप्ट प्रथमे. सो जो समय रे मु एई लाइन टा ड्रॉ करूतली से समय बीती जायची. जो समय रे मु कहूतली जे लाइन टी मु ड्रॉ करूची सेई मोमेंट मध्ये बीती जायची. सो प्रेजेंट रो ड्यूरेशन केते ओनली 1 सेकंड. प्रेजेंट होची केवल गोटे सेकंड पाई. जो सेकेंड रे मुडे लेखि दिली ताहा मध्ये एबे पास्ट हेइ जाइछि. आउ जो सेकेंड टी आगु को आसीबा पई हो जाउची ताहा होची फ्यूचर. सो जो सेकेंड बीती गला ताकु कहा जाय पास्ट. जो सेकेंड आगु को आसीबो ताकु कहा जाय फ्यूचर. सो प्रेजेंट रो समय होची केवल गोटे सेकेंड. जदि मु आज सकाळ कथा कहिबी तो एबे आमे क्लास टी करूचु बट आज सकाळ तुमे कोन करथिलो तो सेटा आजिकार दिन बट ताकु आमे प्रेजेंट कहि परिबा नाही. बिकज मु तुमको कौन पचारि आज सकाल तुम कौन करलरेडी पास्ट हो जाए आज रात तुम्हें कौन कर तो सीटा फ्यूचर. तो यह भाव में टाइम कांसेप्ट मुझे तुमको क्लीयरली कहीदे नाउ कह जाए प्रेजेंट को. बिफोर नाउ कह जाए पास्ट को एंड आफ्टर नाउ कह जाए फ्यूचर को. वी एक्सप्रेस टाइम इन टर्म्स ऑफ इयर्स मंथ डे आवर एटसेट्रा. समय को किप प्रकाश कर था बर्षर कहीक मंथ रे ए दिन आउ घंटा ए समय को बुझेबा पई आमे ए सब एक्सप्रेशन नो यूज करी थाउ. बट टेंस इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट कांसेप्ट
we should not be confused with the concept of time. But tense is altogether a different concept. किंतु tense हो जी पूरा different concept, पूरा अलगा जिनस which should not be confused with the concept of time. जोटा को time संग्रह हमें confuse करीबा उचित नहीं. माने time गुटा अलगा जिनस और tense गुटा अलगा जिनस दुई जा समान जिनस बिल्कुल नहीं थी. It is a verb form specific to a language and is used to express a time. तो इटा गुटे specific to a language माने टेंस होची गुडे ग्रामेटिकल जिंस बट समय तो सब जगह रे अछि सब लैंग्वेज रे सब भाषाभाषी लोक माने समय को यूज करंती बट जदि हमें टेंस रो कांसेप्ट कहिबा ए समस्त को पई डिफरेंट सो इट इज द वर्ब फॉर्म स्पेसिफिक टू ए लैंग्वेज सो ओडिया रे हमें जेंती टेंस को लेखु जो इंग्लिश रे ता कांसेप्ट के अलगा इंग्लिश रे जोडे लेखु जो तेलुगु रे होय तो ता कांसेप्ट के अलगा सो इट इज अ वर्ब फॉर्म स्पेसिफिक टू ए लैंग्वेज समस्त भाषा पई समस्त टेंस अलगा and is used to express time. Now, we tense kahe ki use karthau? Eta hochi tara main point. Ame tense kahe ki use karthau? It is used to express the time. Samay ko express kariba pai hi ame tense ko grammar re use karithau. So, English verbs have only two tenses. Tumanku choto bele padhai thibo je English re tinoti tense achi. But this is a wrong concept. In English, we have only two tenses. Gote kono? The present tense and the past tense. गोटे हूँ प्रेजेंट टेन्स जोटा कि बर्तमान काल आउ गोटे हूँ पास्ट टेन्स जोटा कि अतीत काल एवं तुमको मन को प्रश्न आसतु जे मैडम फ्यूचर टेन्स कहीं कहुए ना सो यार आंसर मुझे तुमको बुझेबी द मेन वर्ब्स डू गो टेक जदि यही वर्ब गुड़ी आम नवा वर्ब कौन ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब आम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ी आसचु जदि तुमने से भिडियो टी देखिन एवं जैक देख पार आई भिडी देखला वर्ब उपर तुम सब डाउट क्लीयर हो सो एबे देखिबा हमें फ्यूचर टेंस कहीं की कहा जाए ना सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ डू गो एंड टेक ए तीनोटी वर्ब पर जदी एग्जांपल मु नेबी एगुडी को मेन वर्ब गुडी को आर यूज्ड इंडिपेंडेंटली इन द फॉर्म ऑफ डू एंड डज सो जदी मु डू लिखिली तो पिला माने एडा को टेंस रे अछि यस प्रेजेंट टेंस रे जदी मु याको पास्ट करबी कोन हि जीवो डिड हि जीवो जदी मु वेंट लिखिली एडा को टेंस रे अछि पास्ट सिंपल ले जदि मु याको प्रेजेंट करबि कोन हि जीवो गो हि जीवो तो देखि परथुबो प्रेजेंट रो पास्ट अछि एंड पास्ट रो भी प्रेजेंट फॉर्म अछि त माने इंडिपेंडेंटली यूज हि परचंती बिना कोनोसी मॉडल वर्ब बाउजलरी वर्ब पर हेल्प रे बट फ्यूचर रे सिमती हमें करि परबा नाही जदि मु ए डू को फ्यूचर लिखिया पई चाहिबी त ता संगरे मते गुटे विल बा शैल रो यूज करिया पई हबो सो डू गो टेक एटसेट्रा आर यूज्ड इंडिपेंडेंटली इन द फॉर्म्स ऑफ डू एंड डज डूटा प्रेजेंट लगे और डज लगे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर पाखरे एंड डिड होची पास्ट लगे सो गो एंड गोज एंड वेंट गो रो तीनोटी फॉर्म अछि गोस आउ वेंट ए गो आउ गोस को हमें प्रेजेंट रे यूज करथौ वेंट को हमें यूज करथौ पास्ट रे टेक टेक्स टुक टेक आउ टेक्स को हमें प्रेजेंट रे यूज करथौ आउ टुक को यूज करथौ हमें पास्ट रे टेक रो पास्ट होची टुक etcetera to denote actions events or states of the present time and the past time so ei bhaya bhabare ame verb ro different form ko use karthau present time aur past time ko bujhiwa pai but there is no specific single word verb form to express the future time actions event or states jemti ame gote single word verb negulu do ro past huchi did sei bhaya bhabare jete bele ame nelu went ro single word वर्ब होची जदला मे तको प्रेजेंट करिबा तार वर्ब होची गो बट देयर इज नो स्पेसिफिक सिंगल वर्ड वर्ब फॉर्म टू एक्सप्रेस द फ्यूचर टाइम याको तुमे अंडरलाइन करि परिबो बुक रे फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करिया पई कोनोसी सिंगल वर्ड वर्ब फॉर्म तारो नाही सो इट इज सेड दैट देयर इज नो फ्यूचर टेंस इन इंग्लिश एंड दिस इज द ओनली रीजन ए पई कहा जाय जे इंग्लिश रे फ्यूचर टेंस नाही बोली बिकॉज़ तारो कोनोसी सिंगल वर्ड वर्ब फॉर्म नाही Various expressions such as the followings are used to denote future time actions or states. ताले हमें future time को किपुरे express करीबा तोड़ा किचे examples दिया है ची जो थ्रू हमें जानी परीबा जे future time को कैंते express करा जाए. We shall leave for Puri tomorrow. So ये गोटे ही कथा जे आमे काली पुरी जीबू. ताको कैंते प्रकार लिखा है ची हमें देखी बाटी. We shall leave for Puri tomorrow. आमे गोतो काली पुरी पाई बाहरी बो. We will leave for Puri tomorrow. एका meaning है ला बट ताको डिफरेंटली लिखा होला एटी गोटे ही डिफरेंस कोन आसला एटी लागला शेल
हठ लागिला विल मु तुमको वर्ब बुझेला बेले यार डिफरेंस कहिथिली नेक्स्ट होची वी आर गोइंग टू लीव फॉर पुरी टुमारो एठी लागिला कोन आर गोइंग टू ए एक्सप्रेशन भी फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करिया पई यूज करा जाय नेक्स्ट होची वी आर लीविंग फॉर पुरी टुमारो आमे खाली बाहर छु तो देखि परतबो एथे प्रेजेंट टेंस रो यूज कराय जी आर लीविंग माने प्रेजेंट प्रोग्रेसिव रो यूज कराय जी बडिया को इंडिकेट करा हो जे फ्यूचर टाइम को रेफर करिवा पई वी लीव फॉर पुरी स्टे देयर फॉर 2 डेज एंड कम बैक नेक्स्ट मंडे तो एहे मते जणौची जे आमे पुरी जिबू सेठा 2 दिन रहिबू आ नेक्स्ट मंडे को रिटर्न करिबू वी आर टू स्टार्ट अबाउट फॉर पुरी सो आर टू स्टार्ट अबाउट एहे मते फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करिया पई यूज करा गला We are to leave for Puri tomorrow. We will be leaving for Puri tomorrow. So, it is total 8 prakar expression deichi jaha dwara ki ame future ko indicate kari pariba. Now, look at the following sentences. Ebe aau je sentence dekhiba ame. Tina will arrive here soon. Tina eti jaldi pahunchibo. She is going to have a swim in the river. Se ebe nadi re paharibo. Mane paharibo pai jauchi ebe pahari nahi se. He has finished his work. Se tara kama sari sari chi. So in sentence 1, will is a modal auxiliary in present tense form and means Tina is likely to arrive here soon. Eti continuation mark diya hai chi, yara artho uchi, Tina is likely to arrive here soon. To yaya manne bujiba ame, sentence 1 diya chi will. Will gote modal auxiliary, modal verb. So pila man jyutu mein bhar pisar jani parno, ya previous video da jayegi dekhi pari bo, tahare jayegi, ee jinso gudi ko bujiya pa hai, tamko aori easy ho bo. So will ho chi gote modal auxiliary, और एटा को टेंस रो छी प्रेजेंट टेंस रो छी जदी मु याकू पास्ट रे करबी कोन हे जबो विल रो पास्ट टेंस हो छी वुड सो एटा प्रेजेंट रे हो छी एंड मींस टीना इज लाइकली टू अराइव हियर सून यार अर्थ कोनो टीना जल्दी आसीबो टीना एठारे जल्दी पहुचिबो शी इज गोइंग टू हैव अ स्विम इन द रिवर सो द टाइम ऑफ द वर्ब विल अराइव इज फ्यूचर टाइम एंड द टेंस इज प्रेजेंट तो प्रथम सेंटेंस रे देखि परतबो जे प्रेजेंट वर्ब रो यूज कराई छी बट फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करूची टेंस अछि प्रेजेंट बट फ्यूचर टाइम को टेंस टू द टाइम ऑफ द वर्ब इज गोइंग टू हैव इज इन द फ्यूचर टाइम एंड द टेंस इज प्रेजेंट सो देखिबा जो सेकंड सेंटेंस छि देला तारो जो वर्ब टी टाइम को एक्सप्रेस करूची माने इज गोइंग टू हैव एटा को टेंस रो अछि एटा प्रेजेंट टेंस रो अछि टेंस इज प्रेजेंट बट कहा को एक्सप्रेस करूची फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करूची She is going to have a swim in the river. से नदी रे पहरिबा पई जाउची माने एते जाई पहरिनी से आसीले पहरिबो नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क इन सेंटेंस 3 द टाइम ऑफ द वर्ब रेफर्स टू पास्ट टाइम सो इट देखो ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क से द कामो सारी दीची ता कामो केते बेर सारची माने पास्ट रे अतीत रे ता कामोटा ऑलरेडी सरी जाईची तो हे गुटे पास्ट टाइम को रेफर करूची बट द टेंस इज प्रेजेंट एटा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रे अछि तो टेंस अछि प्रेजेंट रे बट रेफर करूची पास्ट टाइम सो इ देखि परतबो डिफरेंट डिफरेंट टेंस को यूज करिकि केमति अलगा अलगा टाइम को हमें रेफर करि परछु सो इट माइट बी अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग फॉर यू बट तमने जाई कि यदि सेही वीडियो टी को देखिबो जो वीडियो टी को मु लिटरेचर लाइब्रेरी छाडी छी ताले मु आशा करछु तमने टेंस आ टाइम उपरे गुटे बेसिक कांसेप्ट तमरो क्लियर हि जिवो एक्टिविटी गुडी को मु आ गुटे वीडियो रे कवर करबी एबे हमें कांसेप्ट को खाली बुझिबा So we have already discussed that in English, a main verb has got two tense forms. So we jani lu je English re gote main verb ro matra dui ti tense form thai. Gote hochi present tense form, aute hochi past tense form. It has also a third form used with a primary auxiliary to show that the action of the verb is complete. Yaro aute third form madhya thai, jothre ki show hue je action ta complete hi aichi. So the three forms of an English verb are the present tense, the past tense, and the past participle form. तारा past participle form थाई, जो थ्री की show करे जे कामटा already सॉरी जाई ची. Or simply the third form. So past participle form is also known as the third form of the verb. So first, यदि हमें V1 देखिबा, V1 माने तारा present form. यदि V2 को था मु कोई भी V2 हो ची past form. और जब V3 को था कोई भी डाउची पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, the present tense form of the verb is also its base form. तो base form हो ची present simple डा, जो डा कि V1 form रे use करा जाए, माने go रो V1 form जो दी मु कोई भी, ताले सही go ही हो बो,
गोर जो भि टू फर्म मु कह कौन हम वेन्ट हम गोर जो भि थ्री फर्म मु कह हम गन नाउ वी शैल सी द थ्री फर्म्स ऑफ सम वर्ब्स एबे किछ वर्ब रो तीन टी फर्म देखिबा सो गोर एटा होची भि वन मु टेकी दउची भि वन एटी अच्छी भि टू एटी अच्छी भि थ्री माने प्रेजेंट एटा होची पास्ट एटा होची पास्ट पार्टिसिपल सो गोर भि टू होची वेंट आ गोर वेंट रो भि थ्री नुहे गोर भि थ्री होची गन इट रो होची एट देन तार पास्ट पार्टिसिपल होची ईटन स्टडी रो भि टू होची स्टडीड देन तार पास्ट पार्टिसिपल होची स्टडीड सही स्टडीड आ स्टडीड रहला देन वांट रो भि टू होची वांटेड आ तार पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मध्य वांटेड सो कॉलम ए शोज द बेस फॉर्म एज वेल एज द प्रेजेंट टेंस फॉर्म कॉलम ए रे जो वर्ब गुड़िक दिया है जी एगुड़िक बेस फॉर्म बोली भी कहि परिबो आ तमे प्रेजेंट टेंस फॉर्म भी कहि परिबो द कॉलम बी शोज द पास्ट टेंस फॉर्म कॉलम बी रे जो वर्ब गुड़िक दिया है जी एगुड़िक पास्ट टेंस फॉर्म रे अछि द थर्ड फॉर्म माने ईएन और ईडी फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को ईडी और ईएन फॉर्म बोली कहा जाए यार कारण कौन देखि परतबो ईटेन रो लास्ट अछि ईएन तो ईएन फॉर्म रे अछि एमते माइनस एन बोली लिखा जाता माने तुम जानि परबो जेडा एन फॉर्म रे अछि लास्ट होछि स्टडीड रो ईडी लागि छि माने एटा ईडी फॉर्म रे अछि सो इन द कॉलम सी इज नेसेसरी फॉर द यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट सो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट बोथ रे ही हमें लास्ट वर्ब को यूज करि थाउ द डिफरेंसेस तारो हेल्पिंग वर्ब गुडी को चेंज होबो प्रेजेंट लागिबो हैज और हैव पास्ट लागिबो हैड इट इज आल्सो नेसेसरी टू फॉर्म द पैसिव्स हम याको अलगा केमती यूज करि परबा पैसिव वॉइस कला बडे याको यूज करि परबा फॉर एग्जांपल हु हैज ईटन हर लंच यार अर्थ कोन त लंच के खाइ छी माय फ्रेंड हैड ईटन हर लंच मच बिफोर आई फिनिश्ड माइन मो फ्रेंड तारो लंच करि सर्ची मच बिफोर बहुत आगरु जेबे की मु मो लंच फिनिश करि नथिली ऑल द फूड वाज ईटन मोटि कहुनी जे आई हैव ईटन ऑल द फूड एटी कोन कहौछि ऑल द फूड वाज ईटन समस्त खाद्य खिया सरीछि सो एक्टिव पैसिव वॉइस विषय रे आमे ग्रामर रे आगु को पढिबा एबे जस्ट खाली टिके इंडिकेशन एटी दिया आइछि केमती आमे ईडी आउ ईएन फॉर्म को पैसिव वॉइस रे मध्ये यूज करिथौ सो एबे फाइनली आमे देखिबा को टाइम को टेंस एक्सप्रेस करिया पई यूज करा जाय सो एक्सप्रेशंस ऑफ प्रेजेंट टाइम प्रेजेंट टाइम को जिनस रे एक्सप्रेस करिया पई यूज करा जाय एक्शंस इन द प्रेजेंट टाइम आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय द यूज ऑफ प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब सो प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट करा जाए प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस को यूज करिवा पई तो माने कॉपी रे गुटे चार्ट बने परिवो प्रथमे लिखि परिवो एक्सप्रेशंस ऑफ प्रेजेंट टाइम तापर एमती पॉइंट करिकि प्रेजेंट सिंपल लिखि परिवो नेक्स्ट पॉइंट करिकि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव लिखि परिवो सो प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट करिया पई दुईटा टेंस यूज करा जाय गोटे होची प्रेजेंट सिंपल गोटे होची प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर एग्जांपल गोटे एग्जांपल होची देखनबा आई स्टडी इन क्लास 9 मु क्लास 9 रे पढे तो आई स्टडी माने एटा गोटे प्रेजेंट सिंपल टेंस रे अछि नाउ आई एम स्टडिंग इंग्लिश ग्रामर मु वर्तमान इंग्लिश ग्रामर पढु छी तो एटा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव रे अछि एहा मध्ये वर्तमान समय को इंडिकेट कला तो एठी प्रेजेंट सिंपल रो यूज हिची आ एठी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव रो यूज हिची आउ दुईर जको सेंस प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट करूची नेक्स्ट होची एक्सप्रेशंस ऑफ पास्ट टाइम को केमती एक्सप्रेस करा जाए सेई बळे बापरे तमे पॉइंट करके लिखि परिबो प्रथम पॉइंट लिखि परिबो प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव पास्ट परफेक्ट सो ए सब को तमे गोटे गोटे एमती 1 बाय 1 पॉइंट करके तळ को तळ लिखि परिबो नेक्स्ट होचे फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करिया पई को टेंस हमें यूज करी थाउ सो फ्यूचर एक्शंस एंड इवेंट्स आर एक्सप्रेस्ड थ्रू द यूज ऑफ सम मॉडल्स बी गोइंग टू प्रेजेंट प्रोग्रेसिव प्रेजेंट सिंपल बी अबाउट टू विल बी वीआईएनजी एंड विल हैव वीईएन एटा केमती होबो विल बी गोइंग सो विल लागी गला बी वर्ब आसिला वी ing माने verb रो ing form इट गोइंग लागी गला will have en माने will have gone सो रे en form लास्ट देखि परतबो सो फ्यूचर टाइम को रेफर करबा पई ए सब टेंस हम यूज करथौ मॉडल वर्ब्स यूज करथौ बी गोइंग टू वर्ब यूज करथौ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस रो यूज हिताय
ଯଦି ତୁମେ ମନେ ରଖିଥିବ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍କୁ ରେଫର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଟେନ୍ସରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ବି ଅବାଉଟ ଟୁ ୱିଲ୍ ବି ଭିଆଇଏନ୍ଜି ଆଣ୍ଡ ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ଭିଇଏନ୍। ସୋ ବାଇ ଡିୟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଦିସ୍ ମଚ୍ ଇଟ୍ ଫର୍ ଟୁଡେଜ୍ ଭିଡିଓ। ସୋ ଅଣ୍ଟିଲ୍ ୱି ମିଟ୍ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ଡ ରେସିପି ଏଜୁକେସନ୍। ଡୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଶେୟାର ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ସୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟୁ ଦିସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଇଫ୍ ୟୁ ହାଭେଣ୍ଟ ଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ସୋ ଡୁ ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲିଟରେଚର ଲାଇବ୍ରେରୀ ଫର୍ ମୋର ସଚ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡିଓଜ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡିଓ।